नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात कर रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा निकाली गई टेक्निकल हेल्पर वैकेंसीज के लिए, जो आज एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाया गया था 20 मई 2022 को। तो उस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, हालांकि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस्ड था, तो बाहर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेरे को मिले तो उनसे मैंने जो डिस्कस किया, जो टेक्निकल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और नॉन टेक्निकल के पूछे गए थे, तो उसका जो सारांश है इस वीडियोज के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए, वीडियोस को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस का अच्छे से यहाँ पे सारांश समझ में आ सके। ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्टली इसको स्किप करें वीडियोस को। और यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछे हैं, जो कैंडिडेट्स थे उनको 3-4 कैंडिडेट्स से जो क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ से मैंने यहाँ पे मैच करके यहाँ पे ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज के इस वीडियोज़ की हम बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर निकाली गई टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी से 20 मई 2022 को, यानी कि आज के दिन इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। हालांकि यहाँ पे जो अपना रेनवाल है जयपुर में, तो वहाँ पे एक एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि राजधानी कॉलेज करके है। तो वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स, जो 300 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सर्वर डाउन होने के कारण उनका एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ गया। जो अब उसको जो डेट है वो यहाँ पे आगामी इनको दी गई है। तो उस सेंटर पे काफ़ी प्रकार का हंगामा है और काफ़ी प्रकार के पेपर को निरस्त करने की मांग चल रही है। हालांकि उस पेपर को कम्प्लीटली निरस्त कर दिया गया, तो ये पेपर यहाँ पे वापस से रीशेड्यूल करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा करवाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल। देखिए, नॉन टेक्निकल पोर्शंस काफ़ी हार्ड लेवल का था, आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं, मध्यम कह सकते हैं, यानी काफ़ी टफ टाइप का था। हालांकि इस प्रकार का टेक्निकल इस वैकेंसीज के लिए जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, राजस्थान से संबंधित और करंट से संबंधित, इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए थे। उसके बाद में नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल पोर्शंस में जो अपने पास में पोर्शन रहा है वो तो हार्ड था ही और मॉडरेट के बीच में, लेकिन टेक्निकल की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, काफ़ी हार्ड नहीं था। इजीली यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उनके आंसर और उसके जो क्वेश्चंस का तालमेल था काफ़ी प्रॉपर यहाँ पे देखा गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया था उसमें कैपेसिटर से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ कैपेसिटर्स का वैल्यूज़ आपको दे रखा था और वहाँ पे उन सभी को जो पैरेलल कनेक्शन है समांतर क्रम में जोड़ रखा था, तो वहाँ से आपको सीटी यानी कि टोटल जो संधारित्र का मान है वो आपसे पूछा था। उसके बाद में सीरीज़ के अंदर जो रजिस्टेंस लगे हुए थे उनका टोटल वैल्यू आपसे पूछा था। कुछ यहाँ पे रजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा था और उनका जो कनेक्शन था वो सीरीज़ में था। आपको पता है अच्छे से कि हमारे पास में कैपेसिटर का पैरेलल की हम बात करते हैं तो सी टी जो होता है आपका C1+C2, इसी प्रकार से और भी अगर हमारे पास दो से अधिक कैपेसिटर है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें प्रतिरोध के सीरीज़ का, तो सीरीज़ का प्रतिरोध जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस से R1+R2, इसी प्रकार से R3, इस प्रकार से ये चलता जाता है। कैपेसिटर का मात्रक आपसे पूछा था कि कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है। तो उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो टेक्निकल का क्वेश्चन है उसमें पूछा था कि रो का वैल्यू कितना होगा, जहाँ पे आर का वैल्यू दे रखा था और आपके पास में जो लेंथ दे रखा था और आपका एरिया दे रखा था। आपको अच्छे से पता है रो इजिकल टू जो होता है आपका हमारे पास में यहाँ पे हमारा रो का वैल्यू जो होता है वो आर बराबर रो एल अपोन ए होता है। आपको पता है एल का वैल्यू दे रखा है, ए का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है। तो इस प्रकार से आप रो का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद में हमारे पास वायरिंग से संबंधित था, जो क्लिट वायरिंग जो होती है उसके क्या फायदे होते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद डीसी जनरेटर जो है वो वर्क कैसे करता है आपको अच्छे से बताया। डीसी जनरेटर बेसिकली अपन मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के में इसका यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में इंडक्टेंस जो है वो दे रखा था, उसके बाद में उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा था और हमसे जो है इंडक्टिव जो है वो आपसे पूछा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में 2πfL इसका वैल्यू होता है और यहाँ से आप इंडक्टेंस निकाल सकते हो इजिली। उसके बाद में प्रदीप्ति नियम हमसे पूछा था, जो इल्यूमिनेशन रूल होता है, जो कि आपने सुना है कि व्युत्क्रमानुपाती ये नियम जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में हमारे पास में जो बुलियन अलजेब्रा है यानी कि हमारे पास में जो लॉजिक गेट है वहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा था, जिसमें एक ट्रूथ टेबल दे रखी थी और ट्रूथ टेबल में वैल्यू देके वहाँ से पूछा था कि ये कौन से प्रकार का गेट है। उसके बाद में अर्धचालक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्धचालक निम्न में से कौन से हैं, आपके जर्मेनियम यहाँ पे ऑप्शन में था तो ये भी क्वेश्चन था। विद्युत प्रेस केतली से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास में दो सिरों वाली युक्ति कौन सी है, तो यहाँ पे दो सिरों वाली युक्ति हमारे पास में डायक होता है, हालांकि ये ऑप्शन में दे रखा था, तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन हो गया।
तीन सिरों वाली यांत्रिक प्रतिरोध की हम बात करें तो ये इसमें पोटेंशियोमीटर इसका आंसर था। पोटेंशियोमीटर ये आपके आंसर में भी दे रखा था, कैंडिडेट्स के द्वारा कहा गया। ट्रांसफॉर्मर का समांतर संयोजन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है, वो कौन कौन सी है, तो जिसमें हमारा फेज समान होना यहाँ पे पहली कंडीशंस होती है। हालांकि ये गिवन था तो ये ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में जो जनरेटर होता है वो कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, आपको अच्छी से पता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो बेसिकली आर्क जो वेल्डिंग होती है उसमें यूज़ किया जाता है। केसीएल बेस्ड जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो नियम है, उससे पूछा था। आपको पता है केसीएल जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे ऑप्शन में था। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हम बात करें तो बेसिकली हम सिंगल फेज मोटर को रन करते हैं तो इस सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज जो स्विच जो होता है उसका बेसिकली यूज़ होता है कि 75% जब मोटर की स्पीड गेन कर लेता है या फिर अचीव कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो स्विच है वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और वो अपनी जो रनिंग कंडीशन है उसमें वो ऑपरेट होता रहता है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वर्क था। समांतर क्रम प्रतिरोध से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ प्रतिरोध यहाँ पे दे रखे थे, उस समांतर क्रम का आपको वैल्यू पूछ रहा था। चार सेल समांतर क्रम में संयोजित थे जिसमें जिसका वैल्यू 1.5 वोल्ट की बैटरी थी और 8 एम्पियर हावर्स की जो है वो आपका उसकी करंट की कैपेसिटी थी। तो आपको पता है हमारे पास समांतर क्रम में जो करंट रेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है ना कि वोल्टेज के, तो ये आप देख सकते हैं। आवर्ती का संबंध आपसे पूछा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के, तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर था। वोल्टेज और धारा लैग जो करती है, आपको अच्छी से पता है कि हमारे पास में इंडक्टर जो होता है, इंडक्टेंस हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास में ये ग्राफ होता है जिसमें हम V और I लेते हैं, तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है V से आगे जो चलता है वो तो करंट चलता है, लेकिन ये जो केसेस होता है ये हम कैपेसिटर में देखते हैं। अगर हम बात करें इंडक्टर की तो इंडक्टेंस में हमारे पास में जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे चलता है, यानी कि लैग चलता है, तो ये हमारे पास में इंडक्टर्स का ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन 21वां। नेक्स्ट 22वीं की बात करें तो एक एम्पियर हावर्स में कितने कूलम्स होते हैं, ये हमसे पूछा था, तो ये हमारे पास में आप देख सकते हैं एम्पियर्स और हावर्स को चेंज करके 3600 हमारे पास कुछ आंसर आएगा। MCBA के अंदर जो स्ट्रिप होती है, जो मुख्य भाग होता है स्ट्रिप, वो आपका बायोमेट्रिक रूम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग हमारे पास V दे रखा था और C दे रखा था, तो यहाँ से हमारे पास में जो निकालना था वो हमारे को कैपेसिटर यानी कि धारिता का मान यहाँ से निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्टेंस बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इंडक्टेंस कुछ दे रखा था प्रॉपर्टीज और उसके बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट पावर सर्किट लोड जो होता है, जो पावर का रिलेशन जो होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद सेमीकंडक्टर कुछ से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था कि अर्धचालक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था। हमारे पास में नेक्स्ट जो रिलेशन है वो यहाँ से पूछा गया था, बेसिकली जो कंडक्टेंस है उसका रिलेशन संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था। उसके बाद में हमारे पास में पावर मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पी इज इक्वल टू VI, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस से भी संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास में 30 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो काफ़ी कैंडिडेट से जो मैंने क्वेश्चन को गैदर किया है, उनमें जो क्वेश्चन का कॉमन लेवल था वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।